आपत्तिजनक से बाहर किया जाना चाहिए, अन्यथा तुलसीदास की रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब रामायण प्रतिबंध करवाएंगे भाई, जूता निकालो, जूता मारेंगे। हम नहीं मारेंगे भाई, इन्हें कार्यकर्ता मारेंगे। कहा पोस्टर में इतना लात मारेंगे कि कांपता है। इनका पोस्टर बहुत बेशरम था, देखो भैया जले नहीं रहा था। कहा नीचे पहले आग लगाओ, आग लगाओ भैया, कस के लगाओ आग। अब यू देखो भैया पीछे से दादा बोले कि देखो भैया यू स्वामी प्रसाद मौर्य का पोस्टर है, तनी हारी ना चली, बहुत बेशरम पोस्टर है। और पोस्टर सकले से भी हमको लंपट लग रहा था, ज्यादा बोलेंगे तो और छाती पे आग लग जाएगी। और देखो भैया यहाँ आगे नहीं पकड़ रहा था समाजवादी पार्टी कार्यालय के भैया, ठीक नीचे समाजवादी के कार्यकर्ता करण मिश्रा भैया आग लगा रहे थे पोस्टर में, और जूता पोस्टर को मार रहे थे। सामने बगैर हाफिज आज की गाड़ी भी आगे खड़ी हो जाती है समाजवादी के जिलाध्यक्ष हाफिज आज। पूछो तो क्या हुआ? अरे पूछो ना भैया क्या हुआ, यहाँ बगैर आपके जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है ये अब शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, रामायण को प्रतिबंध करवाएंगे। देखो भैया इनके मुंह पर पहले जूता छपा हुआ था। फिलहाल तनिक सुनो करण मिश्रा का बोले हैं। पुतला इसलिए फूंक रहे हैं कि कल उन्होंने, अभी तक तो ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे, हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे। चलिए ठीक है आप हमको गाली दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने रामचरितमानस से प्रश्न उठाया है, हमें लगता है जहाँ तक चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, रामायण हो, उसको लिखने वाला एक महापुरुष है, वो चाहे तुलसीदास जी हो या कोई मुस्लिम धर्म का कोई भी धर्मगुरु हो जिसने भी उसको लिखा है कुरान को, हमें बिल्कुल राइट नहीं दिया जाता है कि हम कुरान का या रामायण का या गीता का हम उसका अपमान करें जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है। आप तो सपा के ही पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ और रहूंगा। किस पद पे हैं? मैं यूजन सभा का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ, मेरी आस्था समाजवादी पार्टी में है। अब करण मिश्रा की एक बात तो साफ हो गई भैया कि ऐसे नेताओं का समर्थन तो भैया खुद के कार्यकर्ता भी नहीं करते। और भैया अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे, रामायण जैसी किसी ग्रंथ पर टिप्पणी करोगे तो लात लात कूटे जाओगे। देखो भैया कैसे मारेंगे, उछल उछल के मारेंगे, यू देखो जूता मारेंगे, आओ मारो भैया और कूट दो धर के, जाता ना मारो हड्डी टूट जाए। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता हूँ और वो हमारे आदर्श हमेशा रहेंगे। तो ये सपा कार्यालय सामने ही पुतला फूंकने का उचित फूंक रहे हैं क्या? ऐसे दुराचारियों का बहुत जरूरी, हमारे सनातन धर्म से हुए ब्राह्मण हूँ, और जब रामचरितमानस का अपमान किया जाएगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? बिल्कुल चुप नहीं बैठे। उन्होंने अभी तक तो ब्राह्मणों को टारगेट किया था, उन्होंने जो रामायण की चौपाइयाँ सुनाई हैं कि ढोल गवान शूद्र पसनारी थबल ताड़ना के अधिकारी, उनका इसका अर्थ भी उनको पता है कि क्या है। तो आप अकेले हैं समाजवादी पार्टी से और कोई? अकेले हूँ मैं, ब्राह्मण होने के नाते मैं एक जिम्मेदार, मैं कहीं ना कहीं तो मसाल जलानी पड़ेगी ना, जब तक मसाल कोई जलाएगा नहीं तो कैसे अंधेरा छटेगा। क्या नाम है आपका? करण कुमार मिश्रा। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, आप अंधेरा छाट लेंगे लोग मेरे गाँव। ऐसा लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी आपके ऊपर कोई एक्शन लेगी इस तरह के? एक्शन लेगी तो क्या है, हमारी जो आस्था है हमारे धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर हम बाबाओं का ठेका तो नहीं लिए हैं, वो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या कोई अन्य हो। अब धीरेन्द्र शास्त्री की तो बात है मत कीजिए भैया, उन तक हमको लगता है ये बात पहुंची नहीं होगी, वरना वो तो नंगा कर डालते, सीधे नंगा कर देते हैं। मीडिया वालों की पोल पट्टी खोल के रख दी थी, सबकी वगैरह बोलती बंद हो गई थी, सब चमत्कारी चिल्लाने लगे थे। लेकिन हम ग्रंथ पढ़ते हैं, और जिन्होंने उन्हें बताया कि करोड़ों लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं, मैं कहता हूं अगर अपने घर के अगल बगल के घरों में हो, अगर 10 घरों में रामायण नहीं रखी मिलेगी, मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। वो भी एक जिम्मेदार पार्टी के नेता है, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके का बयानबाजी करते हुए। अब इनके पोस्टर पर तो चाहे तुम जैसे जूता मार लो भैया, जूता मार करके लाल कर दो, नीचे साग लगा दो, ये तब हो नहीं सुधरेंगे। ये ना माफी मांगेंगे ना भैया कुछ बोलेंगे, उल्टा कहो पार्टी बदलने कोई भरोसा नहीं इनका। जैसे भैया बीजेपी छोड़ करके समाजवादी में शामिल हो गए, अब फिर से भैया समाजवादी छोड़ करके कहूँ और घुस जाएंगे, ज्यादा बोलेंगे तो छाती पे आग लग जाएगी। फिलहाल भैया हम तो प्रशासन से सूबे के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहेंगे कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बकायदा रामायण को बंद करने की बात करते हैं, इनको उठा करके जेल में बंद कर देना चाहिए। फिलहाल आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, वीडियो चेक करना कदम से मिलेगी, दबा दो बेल आइकन।